नमस्कार, आप देख रहे हैं जनसत्ता.com। कई दिनों से लापता छात्र नजीब अहमद को लेकर दिल्ली की जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में तनाव बढ़ता जा रहा है। यूनिवर्सिटी प्रशासन पर इस बारे में कोई कदम ना उठाने का इल्जाम लगाते हुए छात्रों ने प्रशासनिक भवन को घेर लिया, जिसकी वजह से वाइस चांसलर और बाकी अधिकारी शाम 6:30 बजे से लेकर देर रात इमारत के अंदर ही बंद रहे। 10 बजे के करीब मुख्य प्रॉक्टर एपी डिमरी इमारत से बाहर निकलने में कामयाब रहे, लेकिन 200 छात्रों ने प्रशासन के खिलाफ नारे लगाते हुए उनका पीछा किया। जेएनयू के एक प्रशासनिक अधिकारी ने इस बात की पुष्टि की कि वे वाइस चांसलर, प्रॉक्टर और कई अन्य अधिकारियों समेत यूनिवर्सिटी की इमारत के अंदर बंद थे। उन्होंने इसे दुर्भाग्यपूर्ण और अवैध बताया। वहीं जेएनयू स्टूडेंट यूनियन के प्रमुख मोहित पांडे ने बताया कि उन्होंने किसी को भी अवैध तरीके से बंधक नहीं बना रखा। प्रॉक्टर आजादी से इमारत के बाहर घूम रहे थे, बिजली और खाने की सप्लाई हो रही थी। आपको बता दें कि सभी 6 गेटों पर 10 से 15 छात्र खड़े थे और स्टाफ और अधिकारियों को बाहर जाने से रोक रहे थे। वाइस चांसलर ने बाहर आकर छात्रों और मीडिया से बात करने की कोशिश की, लेकिन विरोध प्रदर्शन की वजह से वे ऐसा नहीं कर पाए। दरअसल इन छात्रों की मांग है कि छात्र के लापता होने पर जेएनयू प्रशासन की तरफ से FIR दर्ज करवाई जाए। वहीं बताया जा रहा है कि इस पूरे मामले को लेकर गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने दिल्ली के पुलिस कमिश्नर से भी बात की है। देश और दुनिया की और अधिक खबरों के लिए देखते रहिए जनसत्ता.com।